अरहत वंदना। ॐ ॐ नमो अरहन्तारम्। ॐ ॐ नमो तेदारम्। ॐ ॐ नमो आयर्यारम्। ॐ ॐ नमो उवजायारम्। ॐ ॐ नमो लोये तवसाहूरम्। एतो पञ्च नमोकारो तव पापपराशनो मङ्गलानं च संवेतिं परमं हवहि मङ्गलम्। जेयबुद्धा ऐकन्ता जेयबुद्धा अनागया सन्ति तेतिं परिसारं भूयानं जगीजः। ते स्वयं च मे अजतियं च मे बन्धपमोको सुज अजतेव। पुरितात्मेव तुमं नित्यं किं बहिरामितमिच्छति। पुरितात्मेव अभिविज्य एवं दुःखापमुखसि। पुरितात्मान्ति नाम सत्येव जं हन्तवं किं मनसि। सर्वे प्राणान् हन्तवा एतदमे द्वे निशाचरे। पुरिता सत्यमेव समविजानाय सत्यं वरं सत्यं लोयं नितारभूयम्। इरमेव निगन्धं पावनं सत्यम् उत्येनोपमाय सर्वतोपमतस्य भयं सर्वतोपमतस्य न ते भयं। समयाधं मुदारे मुनि लाभालाभे सुये दुःखे जीवये मरणे ता समो निन्दापसन्तासु मानावमानियो अनित्यो इयं लोये परलोये अनित्यो। वाति तन्नरकपोय अशरे अशरे तः अपाकता विपत्ताय दुहाय दुहाय। अपामितममितं च दुपत्य दुपत्यो अपारणि अपामे पुरतामलि। अपाकाम दुआगेरु अपामे नन्दरं वरं जो सहस्रं सहस्रानं सङ्गामे दुर्जये दिने। एकं पानम् एतते परमोजौ कामेनि सव जीवे सवे जीवा भवन्तु मे मिति न सव भुवेषु। वैरं मजनसरहि अर्हन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलम्। केवलपनतो धमो मङ्गलम् अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा। केवलपनतो धमो लोगुत्तमो अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु। Oh, God.
शरणं भजाम। भावभीनि वन्दना भगवान् चरणो में चराये शुद्ध ज्योतिर्मय नियाम रूप अपने आप पाए। भावभीनि वन्दना भगवान् चरणो में मैं कहूँ सबको लोग जो ये दम तिरे अरहंते तम चौवे दम गिर उस भवनियम चंदे संभव अभिनंदनम चुमे चौम पहम सुपातम जिन चंदम वंदे सुविहिं च मुक्तदन्तं श्रियलसिजं च वासुपूज्यं च विमलमनन्तं शरणं च
ശമം ചന്തിം ച വന്ദാമി ഉചതമധ്യം ച വന്ദേ തം ഭവമഭിനന്ദനം ച സുമയം ച പൗമപഹം സുപാതം നിരഞ്ച ചണ്ഡപഹം വന്ദേ സുവിഹിം ച പുംഭദന്തം ശ്രിയലസിജം ച വാസുപൂജ്യം ച വിമലമനന്തം ജജനം ശമം ചന്തിം ച വന്ദാമി ലോകചൗജ കുന്തം അരം ച മല്യം വന്ദേ മുനിസുഭയം നമിതിരം ച വന്ദാമി വിശ്വനേമിം പാശം ച വദ്യമാനം ച ഏവം മയി അവിചുവാൻ വിഹുരേ മലാപഹീണ ജർമരാ ചൗവേദം തിരിണവരാ തിരാമേ പതിയന്തു ീയമയി ലോകസ്ഥമാസിദ്ധ ആരോഗ്യമോയി ലാഭം സമാഹി വരമുത്തമം ബിന്ദു ചണ്ടേഷു നിമ്മലയരാ ഐത്തേഷു അയം പയാജയര സാഗർവർഗംഭീര പിതാചി മമതി സന്തു ചണ്ടേഷു നിമ്മലയരാ ഐത്തേഷു അയം പയാജയര സാഗർവർഗംഭീരാ പിതാചി മമതി സന്തു ഇത്യവന്ദ്യമയി ലോകസ്ഥ ഉത്തമാസിദ്ധ ആരോഗ്യഭൂയി ലാഭം സമാഹി വരമുത്തമം ബിന്ദു ഏവം മയി അവിദ്വാ വിഹുയരയമലാപഹീണ ജർമരണ ചൗവേദം തിരിണവരാ തിരാമേ പശ്യന്തു കൊന്തും അരം ച മല്യം വന്ദേ മുനിസുഭയം നമിതിരം ച വന്ദാമി ലക്ഷണേമിം പാശം ച വദ്യമാനം ച സുവിഹിം ച പുംഭദന്തം ശ്രിയലസിജം ച വാസുപൂജ്യം ച വിമലമനന്തം ചജരം ദമം സന്തിം ച വന്ദാമി സുവിഹിം ച പുംഭദന്തം ശ്രിയലസിജം ച വാസുപൂജ്യം ച വിമലമനന്തം ചജരം ദമം സന്തിം ച വന്ദാമി ലോകസ്ഥോയകരെ ധമ്മതിരേ അർഹന്തേതം സൗവേദം വിദേവലി സൗവേദം വിദേവലി ഓ ജൈന ധർമ്മ കീ തീർത്ഥങ്കർ പരമ്പരാ കോ നമൻ തേരാ പന്ത് കീ ആചാര്യ പരമ്പരാ കോ നമൻ മഹാമനസ്വി മഹാതപസ്വി മഹായശസ്വി മഹാവജസ്വി ഓർ യുവ മനീഷീ ഹം സഭിക്ക് ഹൃദയ സമ്രാട് ആചാര്യ ശ്രീ മഹാശമൺജിക്ക് ചരണ കമലോ മേ കോട്ടി കോട്ടി വന്ദൻ മാതൃ ഹൃദയ സാധ്വി പ്രമുഖാജിക്ക് ചരണ കമലോ മേ കോട്ടി കോട്ടി വന്ദൻ പൂരെ ഭാരതവർഷ മേ വിരാജിത് ചാരിത്ര ആത്മാവോക്ക് ചരണ കമലോ മേ വന്ദൻ മാതൃ ഹൃദയ സാധ്വി പ്രമുഖാജിക്ക് ചരണ കമലോ മേ വന്ദന ഓർ മുഖ്യ മുനി സാധ്വി വരിയ മുഖ്യ നിയോജികജി സഭിക്ക് ചരണ കമലോ മേ വന്ദൻ സമനിജി കോ വന്ദാമി നമുക്ഷാമി ഓർ സാത് ദിനസേ ധർമ്മ കീ ആരാധന കർണേ വാലേ ഗുരുനിഷ്ഠ ഭക്ത ഗുരുദൃഷ്ടി കീ ആരാധന കർണേ വാലേ അപ്നീ ആത്മാ കോ ഭാവിത കർണേ വാലേ ധർമ്മനഗരി ഫരീദാബാദ് കേ സുശ്രാവക ശ്രാവികാവോ സാത് ദിനസേ ഹം ധർമ്മ ആരാധന കരേ ഹെ പര്യുഷണ ധർമ്മ ആരാധന കർണേ കെ ലിയേ ആതാ ഹെ ആത്മാ കോ ഭാവിത കർണേ കെ ലിയേ ആതാ ഹെ സമ്യക് ദർശൻ കീ പ്രാപ്തി കെ ലിയേ ആതാ ഹെ ഓർ ജിൻകോ സമ്യക് ദർശന പ്രാപ്ത ഹെ ഉസ്കോ ടിക്കായി രക്ഷനേ കെ ലിയേ ആതാ ഹെ ആത്മാ കാ ജഹാ തക് പ്രശ്ന ഹെ ആത്മാ സ്വയം അപ്നി ഗുരു ഹെ ആത്മാ സ്വയം സ്റ്റൂഡന്റ് ഹെ ആത്മാ സ്വയം എക്സാമിനർ ഹെ
कहने का अर्थ यह है कि अगर आपको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है उसकी जांच आपको करनी है। गुरुदेव या कोई ज्ञानी पुरुष तो आपको जो भगवान ने एग्जामिनेशन एग्जामिनर के पांच जो सम संवेग निर्वेद अनुकंपा और आस्तिक्य जो मेजरमेंट दिए हैं, बाहर का तो व्यक्ति आपके व्यवहार को देख के बताएगा कि सम्यक दर्शन इनको झलक रहा है, लेकिन उसकी पुष्टि आप करें। कोई भी व्यक्ति यहां से देवलोक जाता है या और उन्नति करता है, उसकी पुष्टि स्वयं को करनी पड़ेगी, यानी हमारी स्वयं की यात्रा वह ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। इसीलिए हमारी आत्मा की हर गतिविधि बहुत ईमानदारी के साथ हो, इसके अंदर किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन, किसी भी तरह की अनैतिकता वह नहीं होनी चाहिए। क्यों कि जब एक व्यक्ति को दो भार दिए जाते हैं कि भाई तुम ही स्टूडेंट हो, तुम ही एग्जामिन हो, तो उसको ज्यादा जिम्मेवारी से काम करना है। तो जितना भी आत्मक्रियाएं करें वो दिखावे के लिए नहीं, वो भौतिक जगत के लिए नहीं, अपने आप को तारने के लिए है, क्योंकि जीव अकेला जन्मता और मरे अकेला हो, कर्मों का संचय करे सुख दुख भोगे तो, न तो शरीर साथ जाता है न परिवार साथ जाता है और न ये फिजिकल बॉडी जाती है, सिर्फ कारमण शरीर हमारी प्रभु आत्मा और उसको धक्का देने वाला इनर्शिया देने वाला तेजस शरीर साथ जाता है। तो ये हमारी स्वयं की यात्रा है, सब कुछ स्वयं को देखना है। ये अच्छी तरह से आप बात को हृदयंगम कर लें कि मैं दिखावा करके कहूं कि मैं बहुत धार्मिक हूं और मैंने दिखा करके और बता दूं कि सम्यक तो प्राप्त कर लिया है, उससे कोई अर्थ नहीं है। तो अस्तु मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वयं की यात्रा स्वयं के द्वारा और स्वयं के लिए है। आप यात्रा करोगे मोक्ष जाओगे तो दूसरे को कोई फायदा नहीं। आप ये फिजिकल दौलत कमाते हो तो इसमें भागीदार बनेंगे, आपकी यात्रा में कोई भागीदार नहीं है। स्वयं को जाना पड़ेगा, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं है और ना कोई साथ जाता है। बड़ी ईमानदारी के साथ करें, बड़ी निष्ठा पूर्वक करें ताकि कि आपको अपना बेड़ा पार सही दृष्टि से हो जाए। तो जो आज का हमारा निर्धारित विषय है कि भगवान महावीर का अनेकांतवाद, ये इतना इंटेलेक्चुअल विषय है, इसको हमें सभी धर्मों के बीच में रखना चाहिए। इंटेलेक्चुअल लेवल की जो बड़ी सेमिनार हो उसके बीच में रखना चाहिए, क्योंकि जो अन्य अन्य दर्शनों के सिद्धांत है उन सभी सिद्धांतों के ऊपर सम्यक दर्शन एक समन्वय के रूप में ठहरता है। हमारा ये अनेकांतवाद सबको लेकर चलता है। अनेकांत का अर्थ हुआ जिसके अनेक अंत हो, जो मल्टी डायमेंशनल हो वह अनेकांत है। अनेकांतवाद सापेक्ष है और जो अपने आप को एब्सोल्यूट कहता है, निरपेक्ष कहता है, वह एकांतवादी है। एकांतवाद दुख है, एकांतवाद कर्म बंधन है, एकांतवाद झगड़े की जड़ है, एकांतवाद अहंकार पैदा करता है, एकांतवाद भटकाता है। उसके विरुद्ध में
उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति अनेकांतवाद सुख देता है। अनेकांतवाद सबको जोड़ता है, विश्व के सब धर्मों को जोड़ने वाला, सबका सम्मान करने वाला, सर्वधर्म संभाव करने वाला अनेकांतवाद। ये भगवान ने अनेकांतवाद जो दिया, ये हमारा सिद्धांत है और श्यादवाद उसकी मेथडोलॉजी है, उसको अप्लाई करने का है। इसके अंदर सप्त भंगी है, नौ नए है। उसका संक्षेप में ये है कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं कहता हूं वही सही है, वह व्यक्ति गलत है। अगर सही भी है तो वो गलत है, क्योंकि वह निरपेक्ष हो गया। मैं ही सही हूं ये कहने का अधिकारी केवल इस धरती पर, इस धरा पर केवल ही है। वही कह सकता है, भगवान वही कह सकते हैं, मैं कहता हूं वही सही है, वरना किसी को अधिकार नहीं है। तो हम सत्यवादी कैसे बने, हम अपना जीवन सत्य के अनुरूप कैसे ढालें, उसके लिए हम ये कहें कि भाई जैन धर्म मेरा सिद्धांत है और ये भी मेरी एक आइडियोलॉजी है, यह भी मेरी एक रिलीजन की फिलॉसॉफी है। और एक व्यक्ति कहता है कि नहीं, ये फिलॉसॉफी मेरी ही सही है, ही शब्द आते ही वह निरपेक्ष हो गया, वह एब्सोल्यूट हो गया, वो गलत हो गया। निरपेक्षता अपने आप को आइसोलेट करती है, अपने आप को अकेला बताती है, जबकि ब्रह्मांड ये कहता है, हमारी नेचर माँ ये कहती है, कॉस्मोस ये कहता है, हमारे प्रभु ये कहते हैं, हमारे भगवान ये कहते हैं कि व्यक्ति निरपेक्ष जीवन जी नहीं सकता। अगर व्यक्ति हिमालय में भी चला जाए तो वहां पर उसको रोटी चाहिएगी, पानी चाहिएगा, शेल्टर चाहिएगा। शेल्टर नहीं होगा तो वहां पे हिंसक पशु उसको खा जाएंगे, कैसे निरपेक्ष जीवन जिएगा। एक पशु जो इस धरती पर चल रहा है वह सापेक्ष जीवन जीता है, वो हमारे यहाँ का भोजन लेता है, पानी लेता है। गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा कि लोग बेचारे जो पक्षियों के लिए चुग्गा डालते हैं, पानी डालते हैं, क्योंकि हर जगह तालाब नहीं होता, शहरों में तो तालाब देखने को ही नहीं होता है। और पहले तो गांवों में पब्लिक टैंक हुआ करती थी, गांवों में कैटल वाटर ट्रक हुआ करती थी, आज भी है, पशु पानी पीते थे। फरीदाबाद जैसे शहरों के अंदर कूलर लगे हुए हैं, अब वो बेचारा पक्षी कूलर को कैसे दबावे और कैसे पानी पिए, कहां उतना चौंस में दम है उसको क्या पता कैसे होता है। यानी हर व्यक्ति को सापेक्ष जीवन जीना पड़ता है, तो ये हमारा सापेक्षवाद है, निरपेक्षवाद नहीं है, इसीलिए ये सही ठहरता है। आज दुनिया में सब लड़ाई झगड़े टंटे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति निरपेक्ष हो रहा है। आज परिवार क्यों टूट रहे हैं, उसका कारण ईगो, मैं कहूं जैसे हो, मेरे कहे अनुसार चलो, मैं कहूं वो करो और सब कुछ घर में मेरा चलेगा, ये डिक्टेटरशिप है, ये निरपेक्षवाद है। भाई तुम भी जियो, मैं भी जियो, लिव एंड लेट अदर्स जी है, ये हमारा अनेकांतवाद है, ये सापेक्षवाद है। आज दुनिया ग्लोबलाइजेशन हो गया है, हमारे भगवानों ने, हमारे ऋषि मनीषियों ने, सभी धर्मों के ऋषि मनीषियों ने कहा था कि भारत एक वसुदेव कुटुंबकम है, ये एक सारी वसु की, भगवान वासुदेव की संतान है, हम सब भाई भाई हैं, प्रेम से रहो, हमारी एक धरती है उसमें सब प्रेम से जिए।
नेचर मां कहती है कि हमारे 84 लाख जीवा योनिया जिनको मैं जन्म देती हूं, कौन से 5 बेसिक एलिमेंट से, रोटी कपड़ा नहीं सॉरी हमारे पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, 5 बेसिक एलिमेंट से मैं 84 लाख जीवा योनियों का जन्म को जन्म देती हूं, उनका भरण करती हूं और जब वो समाप्त हो जाते हैं मर जाते हैं तो मेरे में ही विलीन हो जाते हैं। पूरा एक कॉस्मोस का सिस्टम है, ब्रह्मांड का सिस्टम है। तो यहां पर एकांतवाद कैसे टिक सकता है? आज जितने भी दुनिया के अंदर ये सब झगड़े हैं, तंटे हैं, लफड़े हैं, वो सब एकांतवाद के कारण है। इसीलिए हमारे तो प्रभु ने हमको ऐसी सुंदर व्यवस्था दे दी है कि भाई कहीं पर रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, ट्रेन में रहो, आप किसी भी जगह चले जाओ, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, सापेक्ष जीवन जियो, अनेकांत का जीवन जियो। बताओ कि भाई हम भी यह पालन करते हैं, हमारा ये पूरा एक रिलीजियन है, इस तरीके से होता है। यानी कोई चीज किसी पर थोपनी नहीं, अनेकांतवाद किसी पर कोई चीज थोपता नहीं। भगवान महावीर के जितने साधु साध्वियां थी वो कहा करते थे कि जैसा तुम्हारे सुख उपजे वैसा करो, वो कभी भी कोई चीज थोपते नहीं थे और कोई चीज अपनी तरह से उसको बाध्य नहीं करते थे। कहने का अर्थ यह है सबको स्वतंत्र जीवन जीना है, किसी को बाध्यता में नहीं लाना। ये शोषण क्यों हो रहा है, ये आतंकवाद क्यों हो रहा है, ये हिंसा क्यों हो रही है, ये इतने रैप के केसेस, इतना करप्शन और हमारे यहाँ इतने तलाक और इतने झगड़े टंटे क्यों हो रहा है? क्योंकि हम आतंकवाद को, हम अनेकांतवाद को फॉलो नहीं करते, तब हो रहा है। अनेकांतवाद एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का जीवन जीने की कला है और अगर आप इसको दार्शनिक दृष्टि से देखें तो हर जीव के अलग अलग कर्म हैं, हर जीव अपने कर्मों के अनुरूप जन्म लेता है, कर्मों को भोगता है और आयुष्य कर्म जब पूरा हो जाता है तो उसका राम नाम सब हो जाता है। आपके अलग कर्म, मेरे अलग कर्म, बेटे के अलग कर्म, धर्म पत्नी के अलग कर्म, ये सब हम परिवार के रूप में इकट्ठे क्यों होते हैं? हम इसीलिए होते हैं कि हमारा हिसाब है, किसी से लेना है, किसी से देना है, कोई बेटा हमारे से लेगा, कोई पत्नी हमको देगी और कोई बेटी बन करके लेके जाएगी, कुछ बेटी बन के देके जाएगी। तो कहने का अर्थ यह है कि हरेक के अपने अपने जो है कर्म है, तो ये क्या है, ये सापेक्षवाद है, ये शादवाद है, ये अनेकांतवाद है। अब आप दखल डालते हो, उसमें टांग अड़ाते हो, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये बेईमानी क्यों कर रहा है, ये जेब क्यों काट रहा है, और उसको समझाना अलग बात है, लेकिन उसमें आप दखल अंदाजी करते हो तो वो तो ऐसा ही कर्म लेके आया है, वो तो जेब कतरे का कर्म लेके आया है और वही कार्य कर रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जेब कतरे को समझाना नहीं चाहिए, जो समझाना है वह हमारा एक कार्य, धार्मिक कार्य है, व्यक्ति के हृदय परिवर्तन करके उसको बदलना, उसको सही रास्ते लाना, ये एक धार्मिक कार्य है, ये निर्जरा का कार्य है। लेकिन उसमें टांग अड़ाना, उसकी निंदा करना और उस पर आक्षेप करना, तो वह हमारा एकांतवाद है।
अनेकांतवाद मल्टी डायमेंशनल है। अनेकांतवाद को हम बहुत बड़े लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। आज जब ग्लोबलाइजेशन का युग है तो हम अनेकांतवाद को समस्त देशों के सामने रख सकते हैं कि भाई सबकी अपनी अपनी थ्योरीज है, सबका अपनी अपनी कल्चर है, सब अपने देश के अलग अलग झंडे हैं, अलग अलग संविधान है, आप अपने हिसाब से जियो, हम अपने हिसाब से जिए, सबको जीना है, आप हमारी कल्चर का सम्मान करो, हम आपकी कल्चर का सम्मान करें। और हम कहते हैं कि नहीं, हमारा केवल एक जैन धर्म ही सर्वोत्तम धर्म है, तो कोई वो मानने वाला नहीं है। और ये बात अगर हम शत प्रतिशत हम कहते हैं पूर्ण अहिंसक हैं, ये हमारी थ्योरी सही कब होगी? जब हमको लोगों के सामने ये रखेंगे कि सभी दर्शनों के साथ में जैन दर्शन भी एक दर्शन है। अब आप एक कपड़े के व्यापारी हैं और आपके पास में 10 तरह की 100 तरह की साड़ी है, तो आपने उन साड़ियों का आपका क्या फर्ज है? ग्राहक के सामने रखो, ग्राहक उसमें से मर्जी होगी वो पसंद करेगा। ये अनेकांतवाद है। आप तो कहते हो कि यही साड़ी बढ़िया है, यही आपको लेनी है, तो लेगा या न लेगा, आप ऐसा 2, 4, 5, 10 ग्राहकों को कहेंगे तो ग्राहक आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप एकांतवादी बन गए। धर्म जो हमारा भगवान ने दिया है, जिन वाणी है, उस जिन वाणी को रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करना, ये भी एकांतवाद है कि मेरी सुविधा के अनुसार मैंने धर्म को मोल्ड कर दिया, इसका मतलब मैं एकांतवादी बन गया। भगवान ने तो तब के 12 वेद बताए और उसके इतने ज्यादा और क्लासिफिकेशन किए और बताया कि जिसको जो अच्छा लगे वही ले। और मैं उपासक के नाते कहता हूं कि नहीं, केवल तपस्या ही मोक्ष में ले जाने वाली है, तो मैं एकांतवादी हो गया। इसीलिए एकांतवाद आग्रहवादी है, अनेकांतवाद अनाग्रहवादी, आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे, आचार्य सुन। ये अनेकांतवाद की परिभाषा है कि अपने दिमाग के और अपने कान के पर्दे खुले रखो। गुरुदेव कहा करते थे कि अपने ये जो दिमाग की और कानों की खिड़कियों को खुला रखो और जो भी अच्छे अच्छे विचार, जो भी अच्छे अच्छे वक्तव्य आ रहे हैं, सुझाव आ रहे हैं, उनको आने दो, उनको बंद मत करो। अगर आपने उनको बंद कर दिया तो आपका धर्म आगे नहीं चलेगा। हम अपनी केवल प्रशंसा ही सुनते रहे और हमारी क्या कमियां हैं उसको रोक देवे, ये एकांतवाद है। और हमारी समीक्षा आ रही है, वो हम समीक्षा को राइट वे में लेवे, ये अनेकांतवाद। अनेकांतवाद की थ्योरी एक सटीक थ्योरी है, ये व्यक्ति के जीवन पे एप्लीकेबल है, समाज के जीवन पे एप्लीकेबल है, देश के जीवन पे एप्लीकेबल है और विश्व के जीवन पर एप्लीकेबल है, क्योंकि ये जोड़ती है, ये किसी को तोड़ती नहीं है। मैं शरीर के अंदर अनेकांतवाद का आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण देता हूं कि ये मनुष्य का शरीर प्योर अनेकांतवादी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग ये कहती है कि मनुष्य के शरीर में 60 खरब कोशिकाएं हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग से वेयर देयर इज ए सेल देयर इज ए लाइफ, विदाउट द सेल देयर इज नो लाइफ। सेल इज ए पावर हाउस
इन इट सेल्फ, एक सेल मनुष्य का उसके जैसा हूबहू मनुष्य पैदा कर सकती है। खाली एक सेल इतना पावरफुल है, और एक एक सेल जो है वह एनर्जी का पुंज है, क्योंकि वह सारी एनर्जी आत्मा से मिलती है। ये 60 खरब कोशिकाएं होमोस्टेटिक रूप के अंदर रहती है, हर एक अपना अपना कार्य करती है। ऐसा नहीं कि दिमाग की सेल्स कहे कि नहीं कार्य हम ही करेंगे, हमारा ही चलेगा, तुम चुप रहो तो शरीर डेड हो जाएगा। और देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था हमारे इस सिस्टम के अंदर है। हमने पेन किलर लिया, हमारे इन सारे सेल्स के मुंह होते हैं जिनको रिसेप्टर्स कहा जाता है। बॉडी में जिस जगह जिस तत्व की आवश्यकता है, कमी है, वहां की सेल्स हमारे भोजन के साथ, पानी के साथ, अग्नि के साथ, वायु के साथ, जो हमारी प्राण ऊर्जा है जो जाती है, जिसको जो आवश्यकता होती है मुंह खोल देती है, नहीं तो मुंह बंद रखती है। पेन किलर गया, घुटने में दर्द है, घुटने की हमारी सेल्स है वो मुंह खोलेगी, और वो पूरी की पूरी ब्लड के साथ जो टैबलेट आई है वो सारा ले लेगी, और जिस जगह दर्द है वहां सेल्स ऑटोमेटिकली घुमा देगी, और वो जगह पेन किलर के माध्यम से वो जगह पेन रहित हो जाएगी। तो क्या ये अनेकांतवाद का सिस्टम नहीं है? अरे 60 खरब कोशिकाएं मनुष्य के एक शरीर को होमोस्टेटिक कंडीशन से स्वस्थ रखती है, तो हम तो दुनिया के केवल 7 अरब लोग हैं। क्या हम 7 अरब तो 60 खरब के मुकाबले बहुत छोटी इकाई है, क्या हम 7 अरब एक साथ नहीं रह सकते? जबकि 60 खरब कोशिकाएं एक साथ रहती है, क्योंकि वह एक अनेकांतवाद को फॉलो करती है। ये आतंकवाद क्यों जन्मा? ये एकांतवाद के कारण जन्मा। कुछ ऐसे बैड एलिमेंट्स हमारे समाज के अंदर है जो कि अपने स्वार्थ के कारण दहशत फैलाना चाहते हैं, वो अपने आप को दुनिया का बॉस मानना चाहते हैं कि देखो हमने दुनिया को हिला दिया। अरे भाई, दुनिया को तुम खाली एक जगह जाके 10-20 बदमाश आदमी जाकर के किसी भी प्लेन को कैप्चर कर सकते हो, किसी जगह को कर सकते हो, लेकिन दुनिया को थोड़े ही हिला सकते हो एक पर्टिकुलर। तो इसको क्या दुनिया लाइक करती है? नहीं करती है। किसी भी कंडीशन के अंदर आज का पढ़ा लिखा बच्चा, आज का पढ़ा लिखा युवक, आज का पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति जो है वो एकांतवाद को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अनेकांतवाद सभी लाइक करते हैं, क्यों? कि अनेकांतवाद में सबका अस्तित्व समाहित है। हमारे गुरुदेव अनेकांतवादी है, सबका ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि खाली फरीदाबाद ही उपासक जी को भेज दिया और दूसरी जगह इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो समानता के अधिकार में चलते हैं। अनेकांतवाद इज ए रूल ऑफ द इक्विलिटी। अगर हम समाज में समानता लाना चाहते हैं तो अनेकांतवाद को लागू करो कि भाई हम भी इस तरीके से जीना चाहते हैं, ये आदर्श जीवन शैली है, तुम भी जियो। आपका कई माए कहती है कि हमारे बच्चे आते नहीं है, उनको आग्रह करते हैं, आग्रह करने से वो नहीं आएंगे। आप उनको अनेकांतवाद का फॉर्मूला दो, हम आग्रह करते हैं, इसका मतलब हम एकांत बात करते हैं। उसको इस धर्म के गुण बताओ, इस धर्म के लाभ बताओ कि तेरा कैरियर कितना बढ़िया होगा। जिस कैरियर की तू इतनी चिंता करती है, करता है, वह कैरियर तुम्हारा
इस धर्म के अकाउंट से, जिन वाणी से भगवान को याद करने से और बढ़िया हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अनेकांतवाद समझाइश का वाद है, हर चीज को समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। मैं कहता हूं वह ही सही है, इसका अर्थ ये हो गया कि मैं आपके सामने कोई चीज थोप रहा हूं, लेकिन मैं आपको चार विकल्प देता हूं कि इन विकल्प को चुनिए, उसमें जैन धर्म भी है, दूसरा धर्म भी है। आपको लगेगा कि जैन फिलोसॉफी जिसमें अहिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोद में नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, अरे इतनी सूक्ष्म अहिंसा की परिभाषा तो हमने सुनी नहीं। और अगर हम ऐसे लोग जो कि नास्तिक है उनको हमारे साधुओं की दिनचर्या के लिए, जो अनेकांतवाद का जीवन जीते हैं, उनकी दिनचर्या बताओ, ये सुबह 4 बजे उठते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते, पानी नहीं पीते, जीवन भर स्नान नहीं करते, उनका दिनचर्या तो बताओ। वो कहेंगे भाई ऐसा तो दुनिया में हमने कोई धर्म नहीं देखा, ऐसे साधु दुनिया में हमने देखे ही नहीं, इसीलिए हमारा ये अनेकांतवाद आया है। अनेकांतवाद ऐसे ही नहीं आया है, भगवान के केवल ज्ञान होने के बाद में। भगवान करुणाशील है और भगवान दयालु है, उन्होंने कहा कि ये क्यों आया अनेकांतवाद, इस पर रिसर्च करो। अगला जो पांचवा आ रहा है कि अभी भगवान के समय तो 21,000 बाकी थे, अभी 18,000 बाकी है। भगवान को अवधि ज्ञान था, केवल ज्ञान था कि अगर मैंने अनेकांतवाद जैन धर्म का नहीं दिया तो ये पांचवें आरे में कैसे जिए, जीने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि ये तो आपस में लड़ेंगे, सिर फोड़ेंगे, धर्म ही नहीं रहेगा। तो उन्होंने अनुव्रत दिया, महाव्रत दिया कि भाई किसी न किसी तरीके से, ये जितनी वैरायटीज है, अनुव्रत महाव्रत अनेकांतवाद है। अगर भगवान एक ही महाव्रत देते तो वो एकांतवादी होते, अगर वो तब का एक ही भेद करते तो वो एकांतवादी होते। उन्होंने 12 भेद किए, क्लासिफिकेशन से सैकड़ों भेद हो सकते हैं। आप 1 घंटे का पानी में 1 घंटा पानी नहीं पीऊंगा, त्याग पूर्व करो, यह भी धर्म की परिभाषा में आ गया। देखिए अनेकांतवाद कितना सूक्ष्म है कि हम जो है सबके साथ जिए, सबको सुख। अनेकांतवाद प्राणी मात्र को सुख देता है। हमारा जैन धर्म 100% इको फ्रेंडली क्यों है? हमारे सभी तीर्थंकर अनेकांतवादी थे, लेकिन अनेकांतवाद भगवान महावीर ने दिया, शादवाद भगवान महावीर ने दिया, सप्तभंगी नयवाद जो कि इसी का अंग है भगवान ने दिया। ये भाई ही को यहां कोई जगह नहीं है, यह भी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है भी नहीं भी, यूं करके 7 बातें अलग अलग बताई वो सप्तभंगी के रूप में, और वो अनेकांतवाद की पूरी एक मेथोडोलॉजी बनी, उसे शादवाद आया। तो भाई और बहनों, अनेकांतवाद को किसी भी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए आप एक कॉलोनी में जी रहे हैं, कॉलोनी में पंजाबी है, ओसवाल है, अग्रवाल है, महेश्वरी है, राजपूत है, सभी के जीने का अपना अपना एक एक तरीका है, एक एक धर्म है, एक एक तरीके की परंपरा है, एक एक तरह का अलग सोच है। तो वहां अनेकांतवाद कैसे अप्लाई करें?
अनेकांतवाद मानवतावादी वाद है, ये मानवतावाद को फॉलो करता है कि भाई सभी की अपनी अपनी परंपरा है, अपने हिसाब से जियो, मेरी भी ये परंपरा है, मैं आपकी परंपरा का स्वागत करता हूं। जबकि आपके यहां चेटी चंड मनाया जाएगा, आपके यहां जब कोई भी आपका महर्षि लोगों का, अग्रवाल लोगों का फंक्शन होगा, तब मैं भी आऊंगा, आप भी मेरे यहां पास आओ, तो निश्चित रूप से आएंगे। अनेकांतवाद फ्रेंडशिप करता है, एकांतवाद दुश्मनी करता है, क्योंकि वहां तो यही है, मैं कहूं जैसे ही कहूं। अनेकांतवाद डिक्टेटर है, क्या आपको डिक्टेटरशिप चाहिए? क्या इमरजेंसी लगी थी तो हो सकता है कुछ पर्टिकुलर उद्देश्य व्यवस्था, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, पर क्या लोगों ने पसंद किया? हम आजाद क्यों होना चाहते थे अंग्रेजों से और मुसलमानों से? 2000 साल हम गुलाम रहे, खिलजी आए, डच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, और मुसलमानों में बाबर, हुमायूं, अकबर सब आए, हम पे राज किया, तो हम आजादी क्यों चाहते? क्योंकि वो हमारे पे थोपते थे कि तुम मुस्लिम बन जाओ, और उन्होंने बनाया, हमारे सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, जैन धर्म के बहुत से मंदिरों को तोड़ करके और मस्जिद बना दी, हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटी, और उन लोगों ने कहा इंडियन डॉग, हमको क्लर्क बनाया, अंग्रेजी पढ़ा के हमको बड़े औहदे नहीं दिए, बड़े औहदे उन पे रहते, तभी हमारे शहीद भगत सिंह और कितने कितने लोगों ने कुर्बानी दी। नहीं, ये एकांतवाद हमें नहीं चाहिए, हमें अनेकांतवाद चाहिए, आजादी अनेकांतवाद है। मैं स्वच्छंदता की बात नहीं कहता, आजादी का अर्थ है डिसिप्लिन में रह करके अपना धार्मिक क्रिया करो, अपने विचारों की स्वतंत्रता करो, अगर स्वच्छंदता है वह भी एकांतवाद है। इसलिए अनेकांतवाद हर जगह फिट होता है। राजनीति में आइए, राजनीति में पार्टियां होना कोई बुरा नहीं, उसका विपक्ष मजबूत होना चाहिए, मतभेद होना हो सकता है, मनोभेद नहीं होना चाहिए। ये थ्योरी अनेकांतवाद की है, क्योंकि अनेकांतवाद समझौतावादी है, अनेकांतवाद मिलनसारिता पैदा करता है, अनेकांतवाद दोस्ती करता है, अनेकांतवाद फ्रेंडशिप करता है, और सबसे बड़ी बात है अनेकांतवाद में हर प्राणी का अस्तित्व निहित है। अनेकांतवाद कहता है कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को सबको जीने का अधिकार है, उनको मत मारो। अरे बताओ, 365 धर्मों में पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय को छोड़ दो, चारों की परिभाषा क्या आपने किसी धर्म में पढ़ी? अन्य धर्म में? सिर्फ जैन धर्म में ही है, क्योंकि भगवान अनेकांतवादी थे, उन्होंने आंखों से देखा, उनके पास केवल ज्ञान था, उनके पास अवधि ज्ञान था, उनके पास में जो है मन प्रयोग ज्ञान था, उन्होंने कहा इनमें भी जीव है, इनका भी रेस्पेक्ट करो, इनका भी सम्मान करो, हम भी उस योनि में जाके आए हैं, उसमें रह के आए हैं, इसीलिए अनेकांतवाद वहां फिट होता है। अनेकांतवाद को पालने वाला व्यक्ति कभी भी टेंशन में नहीं आता है, क्योंकि वो ईगो को नीचे बैठा देता है। अनेकांत कहते ही आपका ईगो समाप्त, कि भाई मेरी भी बात सुनो, सुनाइए तो भाई साहब, आपकी बात भी कही है। नहीं, किसी दूसरे की बात नहीं सुनी जाएगी, सिर्फ मेरी बात सुनी जाएगी, कोई नहीं सुनेगा आपकी बात।
वो कहेगा भाई साहब सबने सुनाई, मैंने आपकी सुनी बात, आप मेरी भी सुनो। बिल्कुल सुनेंगे। जितनी कॉन्फ्रेंसेज होती है, डिबेट्स होती है, उसमें छोटे रिसर्च स्कॉलर आते हैं। हमारे जैसे प्रोफेसर, कुलपति, बड़े लोग भी आते हैं। हम रिसर्च स्कॉलर्स को ज्यादा ध्यान देते हैं, उनको ज्यादा सुनते हैं, उनको ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को करते हैं। क्यों? उनको तैयार करना। हम तो उस स्टेज से निकल चुके, उनको वो स्टेज आज अगर मैं इनको 10 दिन में मेरी बात सौंपता रहता, दूर मत जाइए। इनको पूछिए कि उपासक जी ने कोई बात सौंपी क्या? इतना ही बोलना है, ऐसे ही करना है। जबकि ऐसी पहली यात्रा में, तो ये दूसरी यात्रा में गुरुदेव को कहते, गुरुदेव मेरे नहीं जम रहा है, मेरे को दूसरे उपासक, क्योंकि मैंने अनेकांत बात लगाया। ये प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा मैं तो धन्य हो गया, मुझे तो बहुत सीखने को मिल रहा है। अनेकांतवाद सिखाता है। अनेकांतवाद हमारी कार्यशाला है, सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है। इसको अलग अलग डायमेंशंस में रखिए। कौन सा डायमेंशन? पर्सनल डायमेंशन, फैमिली डायमेंशन, सोसाइटी डायमेंशन, कंट्री डायमेंशन और इंटरनेशनल डायमेंशन। हर डायमेंशन को इस पे लागू कीजिए। ये अनेकांतवाद हमारा दूध में मिश्री की तरह घुल जाता है। ये जिस तरीके से तेल और जो घी ऊपर तरते हैं वैसे नहीं रहता। अनेकांतवाद सॉल्यूबल है, हर एक में मिक्स हो जाता है। ऐसा मिक्स होता है मालूम ही नहीं। हम अनेकांतवादी, हम आसाम गए, हम कूच बिहार, बिहार में गए, बंगाल में गए, सब जगह सफल हुए। क्यों सफल हुए? हमने अनेकांतवाद लगाया, हमने अपनी नहीं थोपी, हमने किसी का शोषण नहीं किया। दो पैसा कमाया है तो सोसाइटी पे लगाया भी है। और दूसरा पक्ष रखता हूं, सेकंड अनदर डायमेंशन, हमारे जो लोग जिन्होंने प्रदर्शन किया, फालतू पैसा खर्च किया, लोगों ने ईर्ष्या हुई लोगों को, हमको खाने को दूध जो रोटी नहीं और ये गुलचरे अड़ा रहे हैं, हमको फेंक दिया, फेंके जाएंगे। अगर हम दुनिया रहती है उसके अनुसार रहेंगे, लोग हमारी इज्जत करेंगे, हम भी शांति से रहेंगे, वो भी शांति से रहेंगे। तो इसीलिए अनेकांतवाद एक ऐसा टॉपिक है, इसको अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग चीजों पे लागू किया जाना चाहिए। मैं राजनीति की बात कर रहा हूं। देखिए अनेकांतवाद के मॉडल बताता हूं। राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी एक अनेकांतवाद का मॉडल था, और उसके बाद के अंदर लाल बहादुर शास्त्री राजनीति के मॉडल थे। सबसे पहले तो वो ईमानदार थे, और अटल बिहारी वाजपेयी शाम के समय अपने विरोधियों के घर बैठते थे, विरोधी पार्टी के घर जाते थे, भोजन वहां करते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे, देश हित के अंदर मैं ये चीज संसद में रख रहा हूं, राज्यसभा में रख रहा हूं, बोलिए, आप कहो तो रखूं, अच्छी हो तो रखूं, जनहित में हो तो रखूं। अरे साहब ये तो बढ़िया चीज है, रखो, हम आपके साथ है, बिल पास। और उन्होंने किसी को सुना नहीं, और उन्होंने अपनी गाड़ी चालू करी तो कुर्सियां, लड़ाई झगड़े लपड़े हो गए। तो कहने का अर्थ ये कि हमारा अनेकांतवाद शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करता है। अनेकांत का जीवन जीने वाला, अनेकांत की व्याख्या करने वाला और अनेकांत को किसी भी स्टेज पर रखने वाले को अपना खुद का नजरिया, अपनी खुद की सोच है, वो यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस। वो हमारे मंत्री मुनि कहा करते थे कि उनका पेट इतना बड़ा था, पेट का मतलब ऐसे नहीं, हर चीज हमारे मंत्री
मगनलाल जी स्वामी के लिए कहा जाता है कि 76 आचार्यों के साथ काम किया, किसी भी आचार्य ने कोई बात की, साधु ने बात की, मजाक है कोई निकलवा ले, क्योंकि वो हजम करने की शक्ति थी। तो वो हमारे में भी आनी चाहिए। कौन सी बात है जो बेटे की बात है पत्नी के सामने नहीं रखनी, उसकी बहू के सामने नहीं रखनी, पोते के सामने नहीं रखनी? अगर कोई चीज है और आपने सबके सामने रख दी तो ये एकांतवाद होगा। मुझे एक भाई बता रहे थे, मैं नाम भूल गया, कि मैं एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ, पामिस्ट्री जानता हूँ, पर मैंने अब छोड़ दी। मैंने कहा क्यों छोड़ी? कि भाई एक दिन मेरी मौसी मेरे पीछे पड़ गई, मेरी मम्मी पापा पूरे परिवार के सदस्य थे। मौसी ने कहा कि तू फेस रीडिंग करता था, वो अपना यही फरीदाबाद का व्यक्ति, तो फेस रीडिंग करता है, तो तुम बता मेरी फेस रीडिंग में क्या है। मौसी, मैं आपको अलग बताऊंगा। नहीं, सबके सामने बताना पड़ेगा। मौसी अड़ गई, तो आग्रह किया, तो उसने कहा कि मौसी आप जो सैकड़ों लोगों के बीच में ऐसा बढ़िया झूठ बोलने की कला है कि लोगों को पता ही नहीं पड़े और आप झूठ भी बोल दो। उसके बाद में मौसी नाराज हो गई, घर वाले नाराज हो गए, और मैंने फेस रीडिंग फॉर्मेस्टी करना छोड़ दिया, क्योंकि लोग मेरे से विरुद्ध हो रहे हैं। तो ये एकांतवाद है। यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीय, अगर ऐसा गोपनीय चीज है 100% करेक्ट है, लेकिन व्यवहार पक्ष भी है, उसको आप आउट मत करो कि किसी का जीवन बर्बाद हो जाए। कोर्ट के अंदर ऐसी चीज हो कि बेचारे को जीवन बर्बाद हो जावे, फांसी लग जावे छोटी सी चीज के लिए, ऐसा करके आप कौन सा तुकमा ले लोगे, कौन सा मेडल ले लोगे? तो कहने का कि है अनेकांतवाद व्यवहार सिखाता है। हमारे जो डे टू डे जो पारिवारिक सिस्टम है उसमें ये आराम से लागू किया जाना चाहिए, आराम से लागू हो जाता है। ये लागू कब होगा? आपको अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा। हमको एकांतवादी कौन बनाता है? वही घूम फिर करके हमारा राग द्वेष। अरे भगवान ने कहा कि तुम दुनिया में हजारों 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 लाखों करोड़ों वैरायटी है, सब भूल जाओ, तुम तो एक चीज 24 घंटे याद रखो, मेरा राग द्वेष कम हो रहा, मेरा राग द्वेष कम हो रहा। राग द्वेष हो गया इसी क्षण मिच्छामि दुक्कड़म, खमत कामना करता हूं। ये राग द्वेष कम होने से अनेकांतवाद आता। भगवान कितने बड़े करुणाशील थे कि उन्होंने मोक्ष की साधना का प्रिंसिपल दिया, वो साधना अनेकांतवाद से हो जाती है, क्योंकि ये सबका अस्तित्व स्वीकार करता है, सबको साथ में जीने की कला बताता है, शांतिपूर्ण से अस्तित्व बताता है, कि भाई हरेक अपना ईगो डाउन करो, हरेक अपने कषाय को उपशमन करो तो मुक्ति मिलेगी। देखिए, अरे भगवान ने क्या क्या बातें कही है कि 15 तरह से लोग मोक्ष जाते हैं। आप जैनी हो और आपको नहीं, मोक्ष की परिभाषा तो हमारी ही है, मोक्ष हम ही लोग जाते हैं। आप एकांतवादी हो, स्त्रीलिंग, पुरलिंग, नपुंसकलिंग, स्वबोधित, परबोधित, और स्वयं के जो है वो अध्यक्ष में दीक्षा लेना, अन्य के लेना और किसी के द्वारा, पर इस तरीके से 15 कैटेगरी के लोग मोक्ष जाते हैं। पर एक कंडीशन सबके साथ लागू है, वो क्या है कि राग देश की शून्यता करनी पड़ेगी। तो देखिए भगवान ने कितना सुंदर हमारा ये अनेकांतवाद दिया। हरि हमारे एक संत हुए हैं, हमारे एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, मुझे भी नाम नहीं आ रहा है, उसको हमारी संघ प्रभावना करनी थी जैन धर्म की, एक राजा से काम करवाना था, हिंसा रोकने का, कतल खाना रोकने का, दोस्त बनाता बनाता था। तो राजा ने कहा
शिव मंदिर दर्शन करने चलो। उन्होंने देखा ये जैनी है, ये शिव मंदिर नहीं जाएगा, चलो। होशियार आचार्य जी थे तो उन्होंने कहा चाहे तुम ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे जो महेश हो, लेकिन जिन जो राग द्वेष मुक्त है वो मेरा भगवान है। स्तुति भी कर ली, नाम भी ले लिया और अपने भगवान के गुण भी बता दिया। ये अनेकांत वाद है। आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, वहां अनेकांत वाद फिट होता है। उस भगवान के आपने हनुमान जी के मंदिर में गए और आप अपने थ्योरी लागू कर दी कि ये तो देवगति वाले हैं, इनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। हमको तो नमस्कार तो हम सामान्य व्यक्ति को भी करते हैं, वो तो उनके भगवान है, नमस्कार किया। आप अपना उनको देव थोड़ा ही मान रहे हो, आप उनको अरिहंत थोड़ा ही कह रहे हो, सामान्य रूप में देव है, योनि है, नमस्कार किया। साथ वाला भी राजी हुआ कि देखो हमारे धर्म का सम्मान कर। अस्तु, समय हो गया है, क्योंकि विषय बहुत लंबा है, मैं इसको लंबा नहीं कहना चाहता हूं। मैं निष्कर्ष की भाषा में क्या कहना चाहता हूं, अनेकांतवाद, शादवाद एप्लीकेबल कब होगा? ईगो डाउन करना, उसके बिना लागू नहीं होगा, किसी भी लेवल पे लागू नहीं होगा। इसलिए इधर तो मोक्ष की बात कही गई, इधर सम्यक दर्शन की बात कही गई, इधर अनेकांतवाद की बात कही गई। सबका आधार एक ही है, ईगो को कषाय उत्पन्न करना। अस्तु, समय हो गया। तो कल हमारे महापर्व संवत्सरी है, जिन 7 दिनों में हमने जो ये साधना की, उस साधना का रिजल्ट लेना है। कल हमारा एग्जामिनेशन है, परसों हमारा रिजल्ट है, 7 दिन हमारी प्रिपरेशन ली। प्रिपरेशन किया 7 दिन और कल एग्जाम देके परसों रिजल्ट लेना है। एग्जाम में क्या करना है कि 84 लाख जीवा योनि हम प्रतिक्रमण करेंगे, आपके औसत होगा, आपके उपवास होगा, आपके कार्यालय बंद है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। पूरे दिन भर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देखिए, इस हमारे जैन धर्म के जो सिद्धांत में इतनी बड़ी विशेषता है कि मैंने किसी भी आत्मा को जानता नहीं हूं, पर मैंने उस आत्मा का आह्वान किया कि हो सकता है उस आत्मा के साथ में नरगति हो या देवगति, सबके नाम लेके करूं तो सब आत्माओं तक मेरी आवाज जाती है। उसको हमारे आत्मा में अव्यवाद कहा जाता है, क्योंकि वो प्योर आत्मा किसी को कष्ट नहीं देती। मेरी प्योर आत्मा किसी को कष्ट नहीं, कष्ट देने वाली बद्ध आत्मा है। मैं उस प्योर आत्मा को निवेदन करता हूं, बाद जाती। इसलिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों बातें आई है। प्रत्यक्ष तो व्यक्तिगत करते हैं बद्ध आत्माओं से, और हम अप्रत्यक्ष रूप करते हैं शुद्ध आत्माओं से, उनके साथ में खूब समझ कामना करेंगे। और परसों तो हम करेंगे ही, फोन से, चिट्ठी से, पत्री से, सबसे, और हम आपस में करेंगे, गुरुदेव से करेंगे। तो कल समुद्री को ज्यादा से ज्यादा अठपोरिये पोते, छपोरिये पोते, चारपोरिये पोते, उपवास सबको ही करना है, ताकि कि ये भला और किसी का नहीं होना। और चीजों में तो आपको, आपके जो पैसे बढ़ेंगे, धन दौलत कमाओगे, तो पूरे परिवार का भला होगा, शोहरत बढ़ेगी। ये एब्सोल्यूट भला 100% आपका अकेला स्वयं का है। इसीलिए धर्म स्वयं पे आधारित है। समाज पे जाते ही सामाजिक धर्म आ जाता है। लौकिक पारलौकिक की बात जब हम इस अकाउंट में आते हैं तो लौकिक हो जाता है, और इस अकाउंट में आते हैं तो पारलौकिक हो जाता है। और फिर